हरियाणा के करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के कार्यक्रम का विरोध किया गया। किसानों ने हंगामा किया जहां पुलिस ने लाठीचार्ज भी की। किसानों की भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। आशरूम गैस और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। हंगामा कर रहे किसानों के डर से मंच से भागे नेता। खट्टर के पहुंचने से पहले ही किसानों ने मंच तोड़ा। पंजाब के जालंधर में बीजेपी कार्यकर्ताओं किसान के बीच झड़प। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए भीड़े किसान। पंजाब के जालंधर में बीजेपी कार्यकर्ताओं और किसानों के बीच झड़प। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए भीड़े किसान। किसान आंदोलन का आज 46वां दिन। अपनी मांगों को लेकर के दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसान। जिला बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने जमकर की एक्सरसाइज। जोर आजमाइश के लिए आपस में कुश्ती भी की। गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के लिए फ्रेंडली कुश्ती का आयोजन किया गया। टाइम पास करने के लिए अलग अलग मनोरंजन कर रहे हैं। बंगाल चुनाव से पहले ममता बनर्जी का बड़ा दाव। बंगाल में मुफ्त में कोरोना वैक्सीन देने का ऐलान किया। कहा फ्री वैक्सीन की कर रहे हैं व्यवस्था। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का बयान। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी लगवाए वैक्सीन। ऐसा करने से जनता में विश्वास पैदा होगा। राशिद अल्वी ने कहा पीएम के वैक्सीन लगवाने से जनता में विश्वास पैदा होगा। साथ ही उन्होंने देश में मुफ्त कोरोना वैक्सीन की भी वकालत की। दिल्ली में वैक्सीनेशन की तैयारी पूरी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में वैक्सीनेशन के लिए 89 सेंटर बनाए गए। 16 जनवरी से पूरे देश में होगा कोरोना वैक्सीनेशन। पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को लगेगा कोरोना का टीका। सबसे पहले फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स और स्वास्थ्य कर्मियों को लगाई जाएगी कोरोना की वैक्सीन। केंद्र सरकार की ओर से योजना तैयार। कल वैक्सीन पर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया और तैयारियों को लेकर कर सकते हैं बातचीत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 519 नए मामले सामने आए जबकि 12 लोगों की मौत हुई। वैक्सीनेशन के लिए राजस्थान ने पूरी तैयारियां की। मुख्य सचिव ने पंचायती राज कार्मिक को भी फ्रंटलाइन वर्कर्स में जोड़ने की मांग की। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कोवैक्सीन के प्रामाणिकता पर उठाए सवाल। कहा कि तीसरा ट्रायल पूरा होने से पहले नहीं मिलनी थी वैक्सीन। दुनिया में बजा भारत का डंका। ब्राजील ने भारत से मांगी 20 लाख कोविशील्ड वैक्सीन। ब्राजील के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी। इसराइल में भी कोरोना वैक्सीनेशन शुरू। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ली कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज। दिल्ली में बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ा। जसोला पार्क में 26 कौओं की मौत। जांच के लिए जालंधर लैब भेजे गए 104 सैंपल। दिल्ली में बर्ड फ्लू की आशंका से केजरीवाल सरकार हुई सतर्क। गाजीपुर मुर्गा मंडी को 10 दिनों के लिए किया गया बंद। उत्तर प्रदेश समेत 7 राज्यों में बर्ड फ्लू का खौफ। कानपुर में फ्लू की पुष्टि के बाद चिड़ियाघर बंद। अलर्ट जारी किया गया। कोरोना के बीच बर्ड फ्लू की आफत झारखंड में। जमशेदपुर के बाद चपेट में आया लोहरदगा। बर्ड फ्लू के खतरे के बीच मछलियों की मांग बढ़ गई। रामेश्वर के समुद्र तट पर मछलियों की आवक में इजाफा हुआ। बीजेपी नेता शिवेंदु अधिकारी के ऑफिस पर हमला। ऑफिस में की गई तोड़फोड़। भगवा रंग से सजा था कार्यालय। गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद राज्यपाल धनखड़ का बड़ा बयान। बंगाल में अलकायदा ने पसारे पैर। हर दिन ब्लास्ट की खबरें आती हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी नेताओं की सुरक्षा कम होगी। देवेंद्र फडणवीस चंद्रकांत पाटिल की सुरक्षा में कटौती की गई। जम्मू के पटनी टॉप से वैष्णो देवी जा रही मिनी बस हादसे का शिकार हो गई। घायल 22 श्रद्धालुओं को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भारी बर्फबारी। बड़ी संख्या में पहुंचे सैलानी बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। पाकिस्तान में देर रात अचानक गुल हुई बिजली। कराची लाहौर इस्लामाबाद समेत देश के कई बड़े शहरों में अंधेरा। पावर ट्रांसमिशन सिस्टम में गड़बड़ी से ब्लैकआउट। पाकिस्तान के 114 शहरों से अभी भी बत्ती गुल हैं और अब तक कब तक आएगी बिजली किसी को नहीं पता। इंडोनेशिया के लापता विमान का मलबा जकार्ता के समुद्र में बरामद हुआ। विमान में क्रू मेंबर समेत 62 यात्री सवार थे। जकार्ता से उड़ान भरने के बाद कल हुआ था क्रैश। दिल में यमुना नदी में फिर बढ़ा प्रदूषण। नदी के काले पानी के ऊपर सफेद झाग। नर्मदा के केवड़िया में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की गए राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्र। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्र आरोग्य वन भी गए और वहां पर उन्होंने मैसेज डायरी में लिखा कि विश्व का सबसे खूबसूरत आरोग्य वन यहां पर बनाया गया है।
उत्तर प्रदेश में आज से मुख्यमंत्री आरोग्य मेले की शुरुआत, सीएम योगी ने फरुखाबाद में उद्घाटन किया, हर रविवार को आयोजन किया जाएगा। भ्रष्टाचार पर योगी सरकार की कार्रवाई, 4 अधिकारियों का डिमोशन कर बनाया गया चपरासी। उत्तर प्रदेश के नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश गिरफ्तार, 2 फरार, लूट की कार बरामद की गई। उत्तराखंड में जल्द मिलेंगे नए डॉक्टर, खाली पड़े 766 पदों के अगले महीने से इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे। गोली लगने के बाद युवा गंभीर हालत में, वाराणसी रैपर, 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज, आरोपी अली मोहम्मद को गिरफ्तार किया गया। यूपी के भदोही में मामूली कहासुनी के बाद सरेआम फायरिंग की गई, सीसीटीवी में कैद हुई फायरिंग की तस्वीर, लाइसेंसी बंदूक और 2 जिंदा कारतूस जब्त। पंजाब के रोपड़ जेल में बंद मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश लाने में जुटी योगी सरकार, रोपड़ के लिए रवाना हुई गाजीपुर पुलिस की टीम, कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। यारों ने खोले बॉर्डर एरिया के हाईवे और बद्रीनाथ हाईवे को हनुमान चट्टी से माना गांव तक और मलाली से नीति गांव तक सुचारू किया। वैक्सीनेशन ट्रायल में शामिल वॉलंटियर्स की मौत का मामला, कांग्रेस ने हॉस्पिटल को क्लीन चिट देने पर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। मध्य प्रदेश के अब तक 13 जिलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि, संक्रमित क्षेत्र को प्रतिबंधित और नाकाबंदी करने का आदेश। पंजाब में अवैध हथियार तस्करी के आरोप में खरगोन से गिरफ्तारी, अमृतसर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, 2 की तलाश जारी। इंदौर में सेक्स रैकेट और ड्रग्स कारोबार के आरोपी मोहम्मद उस्मानी का गिरफ्तार किया हो जाए, एनएसए के तहत कार्रवाई की भी तैयारी। रायपुर में करोड़ों की ठगी करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार, फर्जी दस्तावेजों के जरिए बिल्डर की 20 एकड़ जमीन को अपना बताकर 51 करोड़ में किया था सौदा। छत्तीसगढ़ में बर्ड फ्लू की आशंका से प्रशासन सतर्क, बालौर में जांच के लिए भेजे गए पोल्ट्री फार्म के सैंपल्स। मध्य प्रदेश के इंदौर में शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म, युवक ने पहचान छुपाकर की दोस्ती, अश्लील वीडियो बनाकर धमकाने का आरोप लगा। छत्तीसगढ़ में अवैध खनन के मामले में अपनों ने सवालों में घिरे सरकार और साथी खनिज न्यास के चेयरमैन का बयान, कहा कि जहां भी जाता हूं वहां से मिलती है अवैध खनन की शिकायत। नवंबर से सऊदी अरब में फंसी हरदा की बेटी की वतन वापसी, एजेंट ने दिया था अच्छी नौकरी का लालच, सोशल मीडिया के जरिए सरकार से लगाई थी मदद की गुहार। राजस्थान के हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है, रोडवेज बस और ट्रैक्टर ट्रॉली की भिड़ंत हुई, दर्जन भर यात्री घायल हुए। पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर राजस्थान कांग्रेस करेगी राजभवन का घेराव, 15 जनवरी को किसान अधिकार दिवस के तौर पर मनाने की तैयारी। पीसीसी की नई कार्यकारिणी की पहली बैठक आज, गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में होगी बैठक। राजस्थान बीजेपी की राजनीति में नई हलचल, वसुंधरा राजे समर्थकों ने राजस्थान मंच के नाम से बनाई नई कमेटी, कई जिलों में कार्यकारिणी का गठन भी किया। आरएलपी संयोजक हनुमान बेनीवाल का ऐलान, निकाय और 3 सीटों पर उपचुनाव में उतारेंगे उम्मीदवार। चित्तौड़गढ़ में बचकर भागे बजरी माफिया, बचने के लिए चलते डंपर को हाईवे पर किया खाली, उदयपुर और सवाईमाधोपुर में भी 7 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की गई। सिरोही जिले के सरपंच की दबंगई, खुद के खिलाफ धरना देने वाले शख्स के साथ की मारपीट, वीडियो हुआ वायरल। उदयपुर के उमरड़ा इलाके में हादसा, फैक्ट्री में फटा एसिड टैंक, हादसे में एक मजदूर की मौत। आज बिहार जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक, संगठन में बदलाव को लेकर के हो सकता है फैसला। जेडीयू की बैठक में सीएम नीतीश का बयान, चुनाव के दौरान सरकार की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाने में रहना काम। तेजस्वी ने फिर किया बिहार में मध्यावधि चुनाव का दावा और बोले कि अगर नीतीश कुमार जबरदस्ती बने सीएम तो काम क्या करेंगे। मुख्यमंत्री के काफिले पर हमले के मामले को लेकर रांची में हाई लेवल जांच कमेटी की बैठक, घटना के कारणों को लेकर की गई समीक्षा, जल्द सौंपी जाएगी सरकार को रिपोर्ट। 25 मई के 2 भाकपा माओवादी गिरफ्तार, 9 मामलों में थे आरोपी और लैंडमाइंस प्लांट करने में थे एक्सपर्ट। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भगवंत मान पर कसा तंज, झूठ बोलने की कला में पारंगत हो गए भगवंत मान। बर्ड फ्लू के चलते पॉन्ग हिल में गश्त के लिए बढ़ाई जाएगी मोटर बोट्स की संख्या, धर्मशाला पहुंचे सीएम जयराम ठाकुर ने किया ऐलान। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में देवदूत बने सेना के जवान, नावा पांचवी गांव में आग में फंसे लोगों की जान बचाई। सरकार ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2020-21 की 10वीं श्रृंखला के बॉन्ड जारी की। महिंद्रा ने बढ़ाई वाहनों की कीमत, एसयूवी कार से पिकअप तक रेट बढ़ाए गए। ने 4.71 लाख और एसयूवी को बाजार से वापस मंगवाया और इसमें कंप्यूटर में इलेक्ट्रिकल शॉर्ट इन की गड़बड़ी पाई गई है। सिडनी टेस्ट के 4वें दिन मोहम्मद सिराज पर नस्लीय टिप्पणी की गई, थोड़ी देर रुका रहा मैच, टिप्पणी करने वाले दर्शकों को बाहर निकालने के बाद मैच शुरू किया गया।
सिमडेगा की तीन बेटियों ने रोशन किया राज्य का नाम। नेशनल जूनियर हॉकी टीम में चयन किया गया। भारतीय क्रिकेट टीम को लगा झटका, जडेजा के अंगूठे में फ्रैक्चर के चलते आखिरी टेस्ट मैच खेलने पर संशय। पाकिस्तान सुपर लीग के प्लेयर्स का ड्राफ्ट में कई विदेशी खिलाड़ियों को मिलेगा मौका, और क्रिस गेल, राशिद खान और केजेल सिंह शामिल हैं। पहली मंजिल से गिरकर जख्मी हुए 6 साल के बच्चे के लिए मसीहा बने सोनू सूद, उस बच्चे का पूरा इलाज करवाया। बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन ने शादी को लेकर के किया खुलासा, कहा कि पिछले साल शादी करने वाले थे लेकिन कोरोना के चलते उनकी वेटिंग चल गई। फिर बदली गई आंखें, 2 की स्टार कास्ट फिल्म में विलन बनेंगे अमिताभ बच्चन। अभिनेत्री दिशा पाटनी ने महंगी गाड़ी छोड़ रिक्शा में की सवारी, और उन्हें ऑटो रिक्शा में बैठकर फोटोग्राफ्स ने जमकर फोटोबाजी भी की। डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग का शिकंजा कसा, सीनेट अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी जल्द चाहती है कार्रवाई। अमेरिका में ट्रंप को पद से हटाने की कवायद के बीच जो बाइडेन ने चर्च जाकर के प्रार्थना में हिस्सा लिया। अमेरिकी संसद में हिंसा पर बोले पोप फ्रांसिस, कहा इस तरह की किसी भी हरकत की डेमोक्रेसी में जगह नहीं, आगे हमें सबको सीखने की सबक। आज सुबह अफगानिस्तान के काबुल में हुआ धमाका, कोटे नवा इलाके में विस्फोट हुआ। तुर्की के कब्जे वाले शहर तहरीन में ड्रोन अटैक, अलबाब कैंप में तेल रिफाइनरीज पर हमला, इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान। मैक्सिको सिटी के डाउनटाउन की 6 मंजिला इमारत में भीषण आग लगी है, 1 की मौत हो चुकी है। स्पेन में इस साल दशक की सबसे ज्यादा बर्फबारी, राजधानी मैड्रिड के 4 लोगों की मौत, राहत बचाव कार्य जारी। ट्रैक्टर चाहे छोटा ही क्यों ना हो लेकिन अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो हादसा तय है, ट्रैक्टर पर स्टंट करना इन जनाब को भारी पड़ गया। जंप लगाकर स्टाइल में घोड़े पर बैठते हुए ये जनाब चूक गए, उछलकर घोड़े के ऊपर बैठ तो गए लेकिन बैलेंस खोने से वापस नीचे गिर गए। तापमान माइनस में जाने पर मोटरसाइकिल का पानी जम गया और जैसे ही इसके ऊपर शख्स ने चहलकदमी करने की कोशिश की सीधे पानी में गिर गया। जमी हुई झील की बर्फ तोड़ते हुए यह हादसा हुआ, जहां बर्फ हटाने के चक्कर में जनाब खुद ही झील पर धराशायी हो गए। खिलाड़ी ने इतना दम लगा करके बॉल को बास्केटबॉल में डाला कि स्टैंड समेत पूरी बास्केट ही जमीन पर आ गिरी। अब ये कोई प्रोफेशनल डांसर नहीं है फिर भी कमाल का डांस करते हैं, पार्टी में फैमिली डांसर्स का ये ग्रुप सिंक में फास्ट डांस करके सबको चौंका रहा है। और इंसान ही नहीं पक्षी भी वीकेंड की खुशी मनाते हैं, और जैसे ही पता चला कि मालिक 2 दिन तक घर पर रहेंगे, इस तोते ने कूद कूद कर खुशी का इजहार किया। केक के शौकीनों के लिए ये खास वीडियो, इतने वैरायटीज के केक की देखकर मुंह में पानी आ जाए। सीखने और एंजॉय करने की कोई उम्र नहीं होती, और इन दादी उस्मा को देखिए खुश होकर बड़े ही अंदाज में पियानो बजा रही। फ्लिप करें लेकिन पूरी तरह से प्रैक्टिस करके, अगर आप बिना प्रैक्टिस के फ्लिप करेंगे तो ये हादसा हो सकता है।